नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले हैं SSC फेज 11 की वैकेंसी के बारे में। काफी सारे बच्चे कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि सर MES की वैकेंसी आ गई, डिटेल में जानकारी दीजिए, हमारे को कुछ समझ में नहीं आया है। सर नेवी के अंदर चार्जमैन की वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दीजिए। दोस्तों, इनका जो नोटिफिकेशन है SSC फेज 11 का, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 6 मार्च को। मैं थोड़ा सा बिजी था होली पे, तो इस पे वीडियो नहीं बना पाया। आज अपन इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 11 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, और ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं नोटिफिकेशन रीड करके बता रहे भी इसके अंदर ये एजुकेशन मांगी गई है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों वास्तव के अंदर ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने नहीं दे रखी है भी। जैसे नोटिफिकेशन के अंदर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 लिख रखा है। अपने को पता है कि जेई में 10+2 वाले बच्चे कभी आवेदन नहीं कर सकते। इसी हिसाब से कहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कहां पे फ्रेशर्स आवेदन कर पाएंगे, कहां पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, कहां पे कोई सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस मांगा गया है, इन सब चीजों के बारे में नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं है। तो किस हिसाब से आपको चेकआउट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो SSC की वेबसाइट पर ले जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको चेकआउट किस हिसाब से करना है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों, ये इनकी तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 6 मार्च को जारी किया गया। तो डिटेल में पर सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, क्योंकि सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जो बच्चा IIT डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम चैनल में मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पर नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, आगे पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर के मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पोस्ट के बारे में डिटेल चेक करनी है ना। भी MES की वैकेंसी है, नेवी की वैकेंसी है, वो वैकेंसी भी SSC फेज 11 की तरफ का जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर ही जारी की गई। सबसे पहले छोटी सी चीज, फेज 11 क्या चीज है। दोस्तों, SSC की तरफ से जो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जैसे कि SSC CGL की वैकेंसी होती है, वहां पर ग्रेजुएशन वाले बच्चे आवेदन करते हैं, CHSL वाली वैकेंसी होती है, 10+2 वाले बच्चे आवेदन करते हैं, MTS की वैकेंसी होती है, केवल 10th वाले बच्चे आवेदन करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी भारत सरकार के अधीन डिपार्टमेंट है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, वो SSC को भेजते हैं कि हमारे को इन पोस्टों पर भर्ती करवा के दो। तो इनकी तरफ से फेज के नाम से या फिर सिलेक्शन के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें 10th वालों के लिए भी वैकेंसी होती है, 12th के लिए भी, IIT डिप्लोमा सबके लिए वैकेंसी होती है, तो उसको बोला जाता है फेज का नोटिफिकेशन। फेज 6 से स्टार्ट हुआ था, इस साल जो नोटिफिकेशन है वो फेज 11 का स्टार्ट हुआ है, अगले साल फेज 12 का नोटिफिकेशन आने वाला है। दोस्तों, फेज 11 है, इसके फॉर्म है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, 27 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो, 28 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हो। एग्जामिनेशन का टेंटेटिव मंथ इन्होंने बता रखा है, यानी कि जून और जुलाई का महीना है 2023 का, वहां तक एग्जाम होने की पूरी इन्होंने संभावना बता रखी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में पर जान लेते हैं, यही सबसे मेन चीज है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी की जो सारणी है वहां पे मैं आपको लेके चलूं दोस्तों। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों, जैसे कि आपके देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की प्रिंटेड टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल और केवल 10+2 लिखा है। आप टेक्निकल असिस्टेंट है तो कुछ ना कुछ प्रोफेशनल चीजें या फिर टेक्निकल कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट जरूर मांगा होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं दिया, तो आप कैसे चेक करोगे भी आप उसके अंदर आवेदन करने के लिए इलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गूगल है वहां पर आपको सर्च कर लेना है दोस्तों, SSC.NIC.IN के नाम से आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे दोस्तों, तो यहां पे आप देखोगे सिलेक्शन पोस्ट 2019 का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहां पे इनके सर्वर डाउन की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इनकी वेबसाइट के होम पेज पे नहीं ले गया हूं, इनका सर्वर काफी बार डाउन रहता है। जैसे ही उस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट यहां पे लिखा हुआ है। आप देखिए रीजन आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक करना आप कौन से रीजन के अंतर्गत आते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से आपको रीजन सिलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए कि नॉर्थन रीजन से आप आते हो,
उसके बाद में एग्जामिनेशन नेम नेम है तो फेज 11 आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे तो इनकी जितनी भी पोस्ट है वो आपके सामने दिखाई दे जाएगी। अभी देखिए इनका सर्वर डाउन चल रहा है, नेट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आगे का हो सकता है प्रोसेस इनका ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इनकी जितनी भी वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको दिखाई देगी, उस वैकेंसी के आगे आपको व्यू डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आपको चेक करना है भी क्या एजुकेशन चाहिए, क्या डिटेल इसमें पूरी चाहिए, तो व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस चाहिए क्या, कोई लाइसेंस वहां पे चाहिए क्या, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, कहां पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस हिसाब से चेकआउट करना है। अभी इनका सर्वर डाउन चल रहा है, अदरवाइज में आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो पहले आपको इस तरीके से चेकआउट कर लेना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन इसका आपको फायदा भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये ऐसे होंगे जो ये नोटिफिकेशन देख के आवेदन करेंगे तो उनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चीजों को चेक कर देना है, उसके बाद में देखिए किस हिसाब से आपको रीजन चेक करना है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखो तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है और यहाँ पे आपको रीजन इन्होंने दिखा रखा है। तो मान लीजिए कि आप राजस्थान से आते हो, एग्जामिनेशन सेंटर और आपका रीजन कौन सा, ये चीज आपको चेकआउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहने वाले है, कोलकाता, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, इस प्रकार से। और जो राजस्थान वाले बच्चे वो कौन से रीजन के अंतर्गत आएंगे, वो नॉर्थन रीजन के अंतर्गत आएंगे। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वेबसाइट पर जाकर के आप चेक करते हो तो रीजन राजस्थान वाले बच्चे नॉर्थन रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो टेबल है इसके अंदर देख लीजिएगा भी आपका स्टेट है वो कौन से रीजन के अंतर्गत आता है, उसी हिसाब से आपको वहां पर जाकर के सर्च करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों वैकेंसी की टेबल पे मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे काफी सारी वैकेंसी है, वैसे तो देखिए 500 से ज्यादा इन्होंने वैकेंसी बता रखी है। तो जो भी बच्चा चाहता है ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है तरीका मैंने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो टेक्निकल वैकेंसी है या फिर छोटी वैकेंसी है जिसमें 10th वाले 12th वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो वैकेंसी है उनके बारे में सीरियल नंबर वगैरह और वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, तो बाद में आप इसके बारे में अलग से सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने इनको मार्क किया हुआ है। सबसे पहले आपको यहां पे जो पोजीशन नंबर 70 यानी कि 70 नंबर पे जो वैकेंसी है, स्टोरकीपर की वैकेंसी है, नेवी के अंतर्गत वैकेंसी है, 18 से 25 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो, आपकी स्टोर कीपर के अंतर्गत नेवी में टोटल मिलाकर के 89 वैकेंसी है। 72 नंबर पोस्ट पे आप आ जाइए, 73 पे आ जाइए, 74 पे आ जाइए, ये ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और कंस्ट्रक्शन के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए 38 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए मैकेनिकल के लिए 57 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 41 वैकेंसी है और कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे 28 वैकेंसी है। तो कुछ हिसाब से इन्होंने वैकेंसी रखेगी। आगे के सीरियल नंबर पर अपन चले तो आपको आ जाना सीरियल नंबर 107 पे। दोस्तों सीरियल नंबर 107 से लेकर के सीरियल नंबर 116 तक जो वैकेंसी इन्होंने दे रखी है वो जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है। देखिए जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस अमारमेंट और एमिनेशन के लिए जो वैकेंसी इन्होंने दिखा रखी है, 18 से 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। सभी वैकेंसी में SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टोटल मिलाकर के वैकेंसी वो 17 वैकेंसी रखी गई है। इसी हिसाब से जेई की जो अगली वैकेंसी है संभाल आर्म्स के लिए वैकेंसी है, 4 वैकेंसी रखी गई है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए जो जेई की वैकेंसी है उसमें टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद मेटल एंड मेटलर्जी के लिए जो 5 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से आपको चेकआउट कर लेना, टोटल 116 नंबर सीरियल पोस्ट तक यहाँ पे जेई की वैकेंसी दिखा रखी है। उसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर 185 पे आ जाना, इस टेबल के अंदर काफी सारी वैकेंसी दिखाई हुई है। तो 185 नंबर पे आप देखोगे ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि जलदाय विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए 50 वैकेंसी है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद में 189 नंबर 190 नंबर पे यहाँ पे इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, 3 और 2 टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों 193 नंबर और 194 नंबर पे जो वैकेंसी है ना चार्जमैन की वैकेंसी है नेवी के अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए 193 नंबर पे जो वैकेंसी है एमुलेशन एंड एक्सप्लोसिव के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है, ठीक है नेवी में। इसी हिसाब से चार्जमैन मैकेनिक की नेवी के अंदर जो वैकेंसी है
टोटल मिलाकर के यहाँ पे 25 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों 195 नंबर पे आप आओगे, 195 नंबर से लेकर के 200 नंबर सीनियर पोस्ट हैं, ये सारी की सारी जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है। वैसे तो देखिए एमटीएस के लिए अलग से इनके एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन बीच में जो विभाग इनको भेज देते हैं अभ्यर्थना भी हमारे को एमटीएस चाहिए, तो ये जो फेज वाली नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमटीएस की भी काफी वैकेंसी है, पहले 35 वैकेंसी है, उसके बाद 13 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, उसके बाद में 1 वैकेंसी है, 19 वैकेंसी है, उसके बाद में 83 वैकेंसी है, तो काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे एमटीएस की रखी गई है। उसके बाद सीरियल नंबर आप 233 नंबर और 234 नंबर सीरियल पे आ जाइए, तो यहाँ पे एमईएस की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों 233 नंबर पे जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी, लेवल 6 की वैकेंसी। यहाँ पे देखिए 10+2 लिखा हुआ है, हालांकि 10+2 वाले बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखोगे तो एमईएस में जे की 391 वैकेंसी है। उसके बाद में 234 नंबर पे आप देखोगे खान सामा चौकीदार की वैकेंसी है, तो एमईएस में चौकीदार की भी टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये दो वैकेंसी ऐसी है जो यहाँ पे इन्होंने ये जो फेज की वैकेंसी है इसके अंतर्गत शामिल किया है। दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर मेट की जो वैकेंसी आती है आईटी वाले बच्चों के लिए क्या इसको भी एसएससी ही करवाया गया क्या? दोस्तों जेई की जो वैकेंसी है हमेशा एसएससी ही करवाता है। वैसे ये जो वैकेंसी है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो नोटिफिकेशन आता है एसएससी जेई का उसके अंतर्गत शामिल करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने फेज की वैकेंसी के अंतर्गत इन्होंने शामिल कर लिया है। तो आईटी वाली जो वैकेंसी है 99% चांस यही है कि विभाग खुद एमईएस करवाएगा। जेई से नीचे वाली जितनी भी वैकेंसी होती है टेक्निकल कैडर के अंतर्गत एमईएस खुद ही भर्ती करवाता है, तो मान के चलिए कि वो भर्ती भी आपके लिए जल्द ही आ सकती है। यहाँ पे ये जो दोनों वैकेंसी है जो कि एसएससी को देनी थी तो इन्होंने एसएससी को दे दी है। इनकी तरफ से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एमईएस की तरफ से 6400 के आसपास जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने बताया था, और उस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यह चीज लिखी हुई थी भी कुछ वैकेंसी ऐसी है जो कि एसएससी करवाएगा, तो एसएससी जो वैकेंसी करवा रहा है एसएससी को ऑलरेडी इन्होंने भेज दिया है। तो अब विभाग जो भर्ती करवाएगा उम्मीद अपन यह कर सकते हैं कि आईटी वाले बच्चों के लिए भी विभाग जो भर्ती करवाएगा वो भी जल्दी आने के चांसेस है। तो आईटी वाले बच्चे अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, अब कब तक आएगी श्योर मैं भी कुछ नहीं बता सकता, विभाग की तरफ से कोई अपडेट नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जरूर उसके बारे में सूचना देने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों आगे और आज ये 418 नंबर पे एक पोजीशन और दिखा रखी है, उसके बाद में भी अपन बात कर लेते हैं। 418 नंबर पे जो वैकेंसी है मैकेनिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, यहां पे ये जो वैकेंसी है माइंस डिपार्टमेंट के अंदर नागपुर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, टोटल यहां पे 12 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने इस टेबल के अंदर वैकेंसी दिखा रखी है, टेबल में से जो भी आपको वैकेंसी पसंद आती है उसके बाद में एसएससी की वेबसाइट पे आपको आ जाना है, रीजन और एग्जाम का नाम सेलेक्ट करके उसके बाद जो आप वैकेंसी देख रहे हो उसके सामने व्यू डिटेल्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा भी आप आवेदन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर दीजिएगा, इस हिसाब से चेकआउट करके बाद में फॉर्म भरोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि कैसे चेकआउट करना है, ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है इसी नोटिफिकेशन के जरिए बताते भी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया, इसमें 10+2 मांगा गया, लेकिन वास्तव में चीजें वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस नोटिफिकेशन में टोटल अपन वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5369 वैकेंसी इनकी तरफ से जारी की गई है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। अपने यूट्यूब फैमिली वो लगभग 1,00,000 परिवार अपना कंप्लीट होने वाला है, आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, आगे भी मुझे सहयोग प्रोवाइड करते रहिए ताकि अपना साथ बना रहे, अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स के साथ में वीडियोज वगैरह मेरे जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट हो और मुझे भी और अच्छा और ज्यादा अच्छा काम करने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।